गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए कंपनी मैन्युफैक्चर टू प्रोडक्ट्स, पहला है पी एंड क्यू यूजिंग सेम फैसिलिटीज एंड सिमिलर प्रोसेस। कॉस्ट डाटा देखिए, प्रोडक्ट ए का आउटपुट हुआ 4000 यूनिट्स पर एनम, सॉरी इन द मंथ अप्रैल 2012। अब बी का प्रोडक्शन हुआ 5000 यूनिट। ए को प्रोड्यूस करने में 1 आवर पर यूनिट, 1 घंटा लेबर आवर लगा, जबकि बी को प्रोडक्शन करने में 2 आवर्स पर यूनिट हुआ। मशीन आवर देखे तो ए के लिए 3 आवर्स पर यूनिट है, बी के लिए 1 आवर पर यूनिट है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर हैंडल्ड ए के लिए है 15, बी के लिए है 25 एंड टोटल नंबर ऑफ सेटअप ए के लिए 20 और बी के लिए 40 है। ओके, तो ये कॉस्ट डाटा दिया है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। जबकि टोटल ओवरहेड देखा जाए तो ओवरहेड रिलेटिंग टू मशीन एक्टिविटी 1,70,000 है। रन प्रोडक्शन रन सेटअप रिलेटेड ओवरहेड 90,000 है। हैंडलिंग ऑर्डर्स रिलेटेड ओवरहेड 20,000 है। इस तीनों को प्लस कर दिया जाएगा तो टोटल ओवरहेड हो जाएगा। यहाँ दे रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रोडक्शन ओवर हेड टू बी एब्जॉर्ब बाय 1 यूनिट। ओवर हेड रेट पर यूनिट आपको कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और अपना पुराना वाला ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें ट्रेडिशनल मेथड में यूज करना है डायरेक्ट लेबर आवर्स को। अगर ट्रेडिशनल मेथड का पहले हम बात करें तो ट्रेडिशनल मेथड में टोटल ओवरहेड जानना जरूरी है। इस तीनों को अगर प्लस करते हैं तो टोटल ओवरहेड इज 2,80,000। अब वो भी कैलकुलेट करना ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर। एक यूनिट बनाने के लिए यहाँ देखो आप, 1 घंटा लेबर काम करेगा तो 4000 यूनिट बनाने के लिए 4000, यहाँ बी को बनाने में 2 तो 5000 यूनिट बनाने के लिए 10000, तो 14,000 लेबर आवर वर्कड होगा टू प्रोड्यूस ए एंड बी, और ये आपका ओवरहेड का अमाउंट हो जाएगा। डिवाइड करेंगे ओवरहेड रेट आ जाएगा, फिर उसको यूनिट ए और बी में कन्वर्ट कर देंगे। जबकि अगर दोबारा देखें तो ए बी सी अप्रोच एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ओवरहेड जिससे रिलेटेड है उसका कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करके रेट निकालेंगे। जैसे ये मशीन एक्टिविटी है तो मशीन से रिलेटेड इसको डिवाइड करके रेट निकालेंगे। ये प्रोडक्शन रन सेटअप है तो सेटअप से डिवाइड करके रेट निकालेंगे। ये आपका हैंडलिंग ऑर्डर्स है तो नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड करके रेट निकालेंगे। उसके बाद ओवरहेड पर यूनिट आएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड। हमको टोटल ओवरहेड चाहिए, टोटल ओवरहेड्स चाहिए, ओवरहेड रिलेटिंग टू मशीन एक्टिविटी। ओवरहेड रिलेटिंग टू मशीन एक्टिविटी इसका अमाउंट है 1,70,000। उसके बाद प्रोडक्शन रन सेटअप, प्रोडक्शन रन सेटअप का ओवरहेड है 90,000। इसके बाद है हैंडलिंग ऑर्डर्स, ओवरहेड रिलेटिंग टू हैंडलिंग ऑर्डर्स उसका अमाउंट है 20,000।
ये हो गया आपका 2,80,000। उसके बाद टोटल लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स में प्रोडक्ट ए 4,000 यूनिट बनाया गया, एक घंटा करेगा एक यूनिट में 4,000। प्रोडक्ट बी 5,000 यूनिट बनाया गया, एक यूनिट में 2 आवर्स 10,000, ये हो जाएगा 14,000 आवर्स। क्लियर है? तो सबसे पहले आप एक बार फिर से देखो, ये 4,000 यूनिट प्रोडक्शन हुआ, एक रुपया का एक लेबर आवर होगा, 4,000, 5,000 के लिए 2, 10,000 जोड़ दिए 14,000। ये 3 ओवरहेड था, तीनों ओवरहेड को ऐड कर दिए हम लोग 2,80,000। अब ओवरहेड रेट निकाल देंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। ओके, तो डायरेक्ट लेबर आवर रेट ओवरहेड रेट ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स, टोटल ओवरहेड टोटल लेबर आवर्स। आप देखो टोटल ओवरहेड 2,80,000, आवर्स 14,000, दैट इज 2,80,000 डिवाइडेड बाई 14,000 20 पर आवर। ओके, तो ओवरहेड रेट आ गया 20 पर आवर। ओवरहेड फॉर प्रोडक्ट ए, ए का आवर्स हुआ था 4,000, 20 रुपया रेट था 80,000, बी का आवर्स हुआ था 10,000, 20 रुपया का रेट है 2,00,000। आप देख लो प्रोडक्ट ए में ओवरहेड हुआ 80,000, बी में हुआ 2,00,000, दोनों ऐड करेंगे तो टोटल ओवरहेड 2,80,000 आ जाएगा। अब ओवरहेड रेट पर यूनिट, ओवरहेड रेट पर यूनिट प्रोडक्ट ए बी, ए का ओवरहेड है 80,000 और ए में नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस है 4,000, 20 रुपया। बी का ओवरहेड है 2,00,000, बी का यूनिट है 5,000, 40 रुपया। ओके, तो ओवरहेड यूनिट का हिसाब से अगर देखे तो प्रोडक्ट ए में ओवरहेड आया 20 रुपया, बी में आया 40 रुपया। इसको ऐसे भी कर सकते थे, एक आवर का ओवरहेड आया था 20 रुपया, प्रोडक्ट ए के लिए 1 आवर था तो 20 रुपया, प्रोडक्ट बी के लिए 2 आवर था तो 20 × 2 = 40। तो सबसे पहले हम लोग टोटल ओवरहेड कैलकुलेट किए, लेबर आवर के बेसिस पे बनाना है तो टोटल लेबर आवर निकाले, ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आवर, ओवरहेड रेट आ गया। हम लोग प्रोडक्ट ए और बी दोनों का ओवरहेड का अमाउंट कैलकुलेट कर लिए, नंबर ऑफ आवर्स इनटू रेट, इसका आया 80,000, इसका आया 2,00,000, पर यूनिट का रेट कैलकुलेट किया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं एबीसी की तरफ। ओके, अब आते हैं हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड में ओवरहेड का रेट अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो,
पहला जो ओवरहेड है मशीन से रिलेटेड ओवरहेड है, अमाउंट है आपका 1,70,000। तो हमारा वर्क होगा सबसे पहले मशीन से रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर को लेंगे। यहाँ देखिए मशीन आवर्स है, एक यूनिट बनाने में 3 आवर्स लगता है, 4,000 यूनिट के लिए 12,000। यहाँ देखिए 1 आवर लगता है, 5,000 यूनिट के लिए 5,000। तो टोटल लेबर आवर्स हो जाएगा, डिवाइड करेंगे रेट आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग का हो गया मशीन्स रिलेटेड, रिलेटिंग टू मशीन एक्टिविटी। तो एक नंबर हम लोग करेंगे रिलेटिंग टू मशीन एक्टिविटी। सबसे पहले मशीन आवर वर्क, प्रोडक्ट ए, ए का प्रोडक्शन है 4,000, आवर है 3,12,000। प्रोडक्ट बी का है 5,000, आवर है 1,05,000। ये हो गया 17,000 मशीन आवर्स। रेट पर मशीन आवर, ओवरहेड है आपका 1,70,000, आवर है 17,000, रेट हो जाएगा 10 रुपया पर आवर। तो फर्स्ट मशीन एक्टिविटी मशीन आवर्स कैलकुलेट किए, आ गया 17,000। मशीन आवर का आपका एक्सपेंडिचर था 1,70,000, 17,000 से डिवाइड हुआ, 10 रुपया पर यूनिट आ गया। क्लियर है? यहां देखिए बी नंबर में प्रोडक्शन रन सेटअप है, 90,000 ओवरहेड है। अब सेटअप यहां देखिए ए के लिए 20, बी के लिए 40, 60 हो जाएगा। क्लियर? तब इसमें लाते हैं रिलेटिंग टू प्रोडक्शन रन सेटअप। टोटल सेटअप प्रोडक्ट ए का, ए का सेटअप है 20, बी का 40, 60। ये हो गया टोटल सेटअप। कैलकुलेट करेंगे रेट पर सेटअप, ओवरहेड है 90,000, सेटअप है 60, तो ये आ जाएगा 1,500 पर सेटअप। क्लियर है? टोटल सेटअप कैलकुलेट किए 60, ओवरहेड था 90,000, 90,000 बाई 60, 1,500 सेटअप आ गया। ठीक है, तो दो हो गया, एक मशीन रिलेटेड, दूसरा सेटअप। एंड थर्ड वन इज हैंडलिंग ऑर्डर्स। हैंडलिंग ऑर्डर्स में 20,000 है, नंबर ऑफ हैंडल अगर यहां देखे तो आपका 15 और 25, 40 होगा, डिवाइड करेंगे रेट आ जाएगा। नंबर थ्री आएगा आपका रिलेटिंग टू हैंडलिंग ऑर्डर्स, टोटल हैंडलिंग ऑर्डर्स प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए का है आपका 15, बी का 25, 40। रेट पर हैंडलिंग ऑर्डर, ओवरहेड है आपका 20,000, ये है 40, रेट आ जाएगा आपका 500। क्लियर? तो अगर मशीन रिलेटेड रेट देखे तो आपका 10 रुपया आया पर मशीन आवर, सेटअप रिलेटेड देखे तो 1,500 रुपया पर सेटअप, एंड अगर हम लोग ऑर्डर से देखे हैंडलिंग ऑर्डर तो 500 रुपया। तो अब हम लोग ये जो ओवरहेड है मशीन का है 1,70,000, प्रोडक्शन का है 90,000,
एंड हैंडलिंग ऑर्डर्स का है 20,000, इसको प्रोडक्ट ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके उसको बोलते हैं एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, प्रोडक्ट ए बी, मशीन एक्टिविटी में आप देखो तो प्रोडक्ट ए का मशीन आवर है 12,000, रेट है 10 रुपया, बी का है 5,000, रेट है 10 रुपया, तो 12,000 इंटू 10 रुपया, तो 1,20,000, अब 5,000 इंटू 10 रुपया, तो बी का आ जाएगा 50,000। क्लियर? यहां फिर से देख लो, 12,000 इंटू 10, 5,000 इंटू 10। अच्छा, प्रोडक्शन रन सेटअप का ए का 20 है, 40 है, 1500 का रेट है। तब उसके बाद लाते हैं प्रोडक्शन रन सेटअप 20 × 1500। क्लियर? अब 40 × 1500, ठीक है। अब हैंडलिंग ऑर्डर्स का लाते हैं, इसका है 1500 का रेट, 25 500 का रेट, इसको लाते हैं हैंडलिंग ऑर्डर्स 15 × 500 का रेट, 25 × 500 का रेट, 7,500, 12,500। इसको ऐड करने से ओवरहेड फॉर ए एंड बी पता चल जाएगा, ये हुआ 157,500, 122,500। क्लियर है? 157,500, 122,500, ये आ गया ओवरहेड्स। क्लियर? अब हमको पर यूनिट का रेट निकालना है, तो ए का ओवरहेड आया 157,500, अब बी का ओवरहेड आया 122,500। अगर आप देखो तो ए का आउटपुट है 4,000, अब बी का आउटपुट है 5,000, ओवरहेड को आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो ओवरहेड रेट पर यूनिट कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? तो अब लाते हैं ओवरहेड रेट पर यूनिट ए, ए का है 157,500 डिवाइडेड बाई 4,000, बी का है 122,500 डिवाइडेड बाई 5,000, इसका 5,000 से डिवाइड होगा, तो ओवरहेड रेट आया फॉर यूनिट ए प्रोडक्शन का, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। क्लियर? तो इसका रेट हुआ, दैट इज इसका रेट हुआ 39.38, इसका रेट हुआ आपका 24.50। तो एक यूनिट में ओवरहेड आया 40 के आसपास, इसका आया 24.50। ओके, तो एबीसी एनालिसिस में जो उसका एक्टिविटी होगा उसके कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करके रेट निकाल देंगे। तो मशीन के लिए मशीन आवर, सेटअप के लिए नंबर ऑफ सेटअप्स, हैंडलिंग ऑर्डर्स के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स,
फिर उसके बाद ओवर रेट का एलोकेशन ए और बी में कर दिया जाएगा रेट के हिसाब से, ये हो गया आपका टोटल ओवर रेट, एंड ओवर रेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो रेट आ गया आपका 39.38, इसका रेट आ गया 24.50। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको एबीसी का ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।